काफी अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा सब? नाइस। मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। Thank you. Welcome. तुम्हारा कुछ फेवरेट? थैंक यू। ओके। क्या ऑर्डर करना है? बॉटल ऑफ वाइन फॉर मी। ओके। हमें क्रिस्पी कॉर्न्स और लोडेड नाचो चाहिए। And a bottle of wine. Okay. Thank you. तो अभी कल भी फ्लाइट है या कल फ्री? नहीं, कल नहीं है कोई फ्लाइट। तो मतलब हमारे पास अब टाइम है थोड़ा। कैसे लगे? नाइस। यू वांट ट्राई? हाँ।
क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन नैसी क्यों पूछा? नहीं, मैं काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहा था। तुम अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? You know, I pretend to be happy, but मैं खुश नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ। देविका बहुत अच्छी लड़की है, और जो भी हमने उसके साथ किया वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे काफी टाइम से इसी बारे में बात करना चाहता था, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। सच में मुझे लगता है ना, हमें ऐसा कुछ डिसाइड करना चाहिए जिससे किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो। तुमने सही कहा। तुम्हें नहीं लगता देवी का हमारे बारे में सही थी? क्या? कि हमारे बीच कभी कुछ स्पेशल था ही नहीं। ये सब जो भी था एक इन्फैटुएशन था। I guess so. सच में? हाँ। पक्का ना? हाँ पक्का। आई थिंक ये बात हमें देविका को बतानी चाहिए। मतलब अभी अपन के बीच सब क्लियर है? लैंग्वेज। अब तू अपनी दोस्त है, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना। ज्यादा मस्का मत लगा वरना दोबारा पड़ जाऊंगी। चीयर्स। गॉड, तो मुझे घर पर ही मिल गई। मुझसे तो वापस आने तक का वेट ही नहीं हो रहा था। सोच रही थी तुझे कॉल करके रास्ते में सब बता दूं, फिर सोचा नहीं, वो फील खत्म हो जाएगी यार। अब सब क्लियर हो गया है। ध्रुव और मैं कभी रिलेशनशिप में सीरियस थे भी नहीं। ध्रुव देविका से ही प्यार करता है, और वैसे भी 2 महीने से ज्यादा तो मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं चलाती। ये बात मुझे देविका को बतानी चाहिए। देविका कहाँ है? देविका, देविका, देविका कहाँ है? कुछ बोलेगी भी? देविका कहाँ है? She's gone. Where? Let me call her. Why not? Let me read this out loud. Dear all, बहुत फिल्मी फीलिंग आ रही है ये सब करते हुए, बट मेरा यहाँ से चले जाना ही सही डिसीजन है, क्योंकि जितना मैं ध्रुव और मियाँ को जानती हूँ, वो एक दूसरे के लिए प्यार को गिल्ट से कंफ्यूज कर देंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हैप्पी, और मैं यहां की मेमोरीज भी हैप्पी वाली लेकर जाना चाहती थी, तो वही लेकर जा रही हूं। इट्स अ गुड बाय पीपल, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, एंड गाइज
if you want to do something for me, then please don't try to contact me. I expect to have my privacy. Love you infinity, Devika. Call him up. Hi, Dhruv. Can you come down to the apartment? We need to discuss something. Hi, Ruhi. क्या हुआ इसे? मिया? क्या हुआ? देविका भी नजर नहीं आ रही? देविका कहाँ है? क्या हुआ मिया? तो हुआ क्या? गलती नहीं है मिया, दोनों की बराबरी है ना। मैं एक बार देविका से बात करता हूं। आई थिंक हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। She deserves to be happy. साथ रहना चाहती तो ये डिसीजन कभी लेती ही नहीं। Just to begin with, I'm really sorry. I didn't know the prank would affect you so badly. It's all right.
Come inside. Just know that I love you. Guys, meet Advik. Tumhare liye surprise tha. We are back together. Should I come back later? No, it's all right, bro. Hi. Dhruv. Hi. Come, have a seat. Bro, I'm sorry about the timing. It's all right. Everything's going to be fine, bro. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं और रूही फिर से साथ में होंगे. But I guess life has its own plan to surprise people. Just give it some time. And Mia, cheer up. We'll sort this out. Yeah, Mia, we'll sort this out. And guys, I don't want to sound insensitive, but बहुत भूख लगी है यार. दिन भर से कुछ खाया ही नहीं. हमेशा देवी का खाना बनाती थी पर आज खाने को कुछ था ही नहीं. Why don't you guys freshen up and I'll order some food for all of us. What do you do, bro? Nothing. I just chill. भाभियों को खुशी देने का पार्ट टाइम जॉब करता है. चलो एटलीस्ट तुम्हें हंसी तो आई. Guys, I have a suggestion. तुम लोग एक नई रूममेट क्यों नहीं रख लेते? It's a bad idea. Not exactly. He has a point. Devika को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है. I know. थोड़ा अजीब है. पर नई roommate के आने से तुम लोगों की ये journey फिर से start हो जाएगी. What's it? He's right. No. Yes. Please, no. ठीक है. क्यों ना गेम से डिसाइड कर लिया जाए. एक नए रूममेट का अरेंजमेंट करते हैं.